तो चलिए चलते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। एक बार फिर से चल दिए हैं सफ़र पे एक, और इस बार हैं कुछ खास लोग हमारे साथ जो मिलने वाले हैं हमें यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जाने के बाद। तो यहाँ से 70 किलोमीटर तो जाना है अकेले, उसके बाद अपनी गाड़ी के भाई मिलने वाला है, अपनी गाड़ी का भाई और अपना भी भाई। तो देखते हैं कि आखिर कौन है 70 किलोमीटर दूर पे। भी कहो ये खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों में ही मिल सकती है, ये हरियाली खूबसूरती, यहाँ जीने का मज़ा ही अलग है। और वो ऊंची ऊंची पहाड़ी, देखो नीचे पुल देखो बेटा। मैं तो सोचा हल्का ही होगा, पर गहराई देखो कितनी गहराई है इसके अंदर। ओ तेरी, हेलो, मैं थल पहुंच गया। चले ठीक है, मैं बागेश्वर की तरफ को निकल रहा हूँ, जहाँ तक भी पहुँचता हूँ मैं, और आप उधर से इधर को चलना, खाना ना खाने के बाद। मतलब आप बागेश्वर से इधर को आना थल की साइड को, और मैं थल से अब बागेश्वर को चलता हूँ। तो जहाँ भी दोनों मिलेंगे तो लोकेशन देख लेंगे, कोई भी जो भी सही 10-5 किलोमीटर आगे पीछे मिलेगी वहीं रुक लेंगे। और ये बताओ यहाँ से खाने पीने के लिए चिकन यहीं से लेके जाऊँ? ओके ओके, ये चीज़ें लेकर आता हूँ साथ में। अब एक काम करते हैं, पहले आगे चल के देखते हैं कि हमारा स्लीपिंग बैग कहाँ से मिलेगा। अगर वहाँ नहीं मिला तो वापस यहाँ आके उतर के पूरा पैदल जाना पड़ेगा। ये रही कैंप साइट, पर यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। क्या होगा? यहाँ से तो कोई दिख नहीं रहा, वहाँ से चलने पैदल आएंगे, पैदल आना पड़ेगा ना। आ घूम के आए वापस। क्या क्या आना, एक मिनट फिर आ जाएगा, बैठो। हाँ यहाँ तक हमें भी तो पैदल चलना पड़ेगा, 2 मिनट हमारे साथ पैदल चल देगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा। इस पुल के रास्ते से जाना पड़ेगा। गाड़ी लगाते हैं यहाँ पर। सही है, लोकेशन कैसी है कैंप करने के लिए? ठीक है लग से भैया, वहाँ पर आराम से गाड़ी ऊपर ला सकते हैं। और देखिए क्या लोकेशन है यार, मज़ा आ गया। ओ वाह यार, इससे अच्छी लोकेशन तो इम्पॉसिबल ही है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। देखो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपका आराम से टेंट लग सकता है। मुझे तो लग रहा है परफेक्ट लोकेशन है, इससे अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती। और व्यू देखिए अल्टीमेट,
नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम करने वाले हैं नाइट स्टे, वो भी जंगल में कैंपिंग। और ये हिमालयन अपनी, और साइड देखिए, यहाँ पर लगने वाला है अपना टेंट। तो अभी किसी का वेट कर रहे हैं। लग से भैया रुक, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो। बहुत आज पहुंच गए लग से भैया अपने, बढ़िया लगा। तो ऐसे ही खड़े हुए हम लोग, लोकल आए हैं। अच्छा, पिथौरागढ़ से। अच्छा। अपने तो मैंने रोक लेता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? मनोज सर, काफ़ी टाइम लग गया आने में। वो बीच में 20 किलोमीटर का ट्रैक बड़ा गंदा मिल गया। अब देखो, तीन यूट्यूबर जब मिलके खाना बनाते हैं तो एक दूसरे को कैमरा पहले ज्यादा दिखाते हैं। भगवान अच्छे से बन जाए, बेइज्जती नहीं कराना प्लीज। तो यहाँ पे आज बनने वाला है चिकन अपना, और पूरी मदद करने वाले हैं अपने लक्ष्य भाई, मोनू भाई। ज्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि ये पहाड़ी है, पहाड़ी इंसान खाने में ज्यादा ध्यान देता है। ओके, तो पहले हम लोग काट लेते हैं प्याज वगैरह ना। ओके, मैं लाइट ऊपर कर लो, मेरे कैमरे ऐसे आ रही है। सर आप कर लीजिए। सर क्या करना है? इंस्टा पे सर हमने आपको बहुत सारे मैसेज किए। हाँ, तो मुझे क्या करना है? फॉलो बैक और क्या। अच्छा, आपने मुझे फॉलो किया है तो मैं आपको फॉलो बैक करूंगा। करा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। अब हम 2 से 3 हो चुके हैं बिल्कुल, और बढ़िया सा खाना पकाएंगे और खाएंगे बनाइए। तो खाने प्रारंभ किया जाए, बनाना स्टार्ट किया जाए। और देखिए आग जल भी गई,
वैसे इस ना स्टोव की खासियत है कि बड़ा इंस्टेंट काम करता है ये। और लेपर्ड वो करने आ जाए डिनर। लक्षित भाई जंगल में खाना बनाने का मजा ही अलग है ना। बिल्कुल। और मतलब बनाने वाला इतने तसल्ली से और दिल से बना रहा है ना। सच में मैंने एक आवाज सुनी है कि किसी को खिलाओ तो दिल से खिलाओ। ओके। वरना मत खिलाओ। भूखे ही मार दो। क्योंकि नहीं नहीं भूखे नहीं मारो, क्योंकि अगर हम गुस्सा होके खाना बनाएंगे ना तो हमारा वो गुस्सा खाने में मिक्स हो जाएगा और खाना वाहियात बन जाएगा और वही बंदा जो सामने वाला खाएगा फिर उसके अंदर वो चीज चली जाएगी नेगेटिव। बिल्कुल सही बात। तो देख लें कि खाना कैसा बनाना है, ये उन लोगों के लिए छोटा सा सबक था है ना। जो कहती है ना कि आज खाने में नमक मिर्च खा लो ऐसी है, देखो प्यार से बनाया करो। प्याज सुनहरे होके ब्राउन हो चुके हैं तो अब डलेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट संजीव कपूर के साथ। ओह क्या आवाज है। ओहो मस्त मजा आ रहा है भाई। ये क्या कर रहे हो आप? अपने पास चॉपर नहीं है ना वो मसाला पीसने के लिए, तो अच्छा, उसको हमने क्या किया पहले अच्छे से उसको स्टीम से मैश कर दिया, अब उसको अच्छे से दबा दबा के मैश कर रहा हूं। भाई ग्रेवी बन जाएगी, बहुत ही बढ़िया आ रही है भाई, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। पेट में चूहे बहुत जोर से कूद रहे हैं। बस भाई सैम भाई फटाफट बस जल्दी से ये बन जाए खाना। उम्मीद है जो खुशबू है ना। और ये अपना मोनू भाई रोटी बनवा के लाए हैं घर से, घर से नहीं मार्केट से। तो मोनू भाई रोटी ला चुके हैं मार्केट। भैया कितना और टाइम लगने वाला है? बस हो गया रेडी, बस अब अपने परोसना है, चिकन रेडी है। वाह यार भूख बहुत जोर से लग रही है। बस हो गया, मतलब जो पेट के चूहे होते हैं ना वो कह रहे हैं कि आ जाओ खा लो हमें। रेडी है। और यहाँ देखो लग से भैया सोने में लगे पड़े हैं। आप लोगों को नंबर क्यों फिलहाल एक बार बता दो ये हुआ कैसा है खाने से पहले चेक करो। ये लो चम्मच लो ना चम्मच। ओहो लक्ष्य भैया मजा आ गया। ये मेरे ख्याल से ये खाना नहीं ये भूख बोल रही है। ये जो भूख है ना कह रही है आने दे खाने को। फिर भी देखो खाना बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट है, टेस्ट का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, ये भूख मेरी स्वाद बता रही थी कि हाँ भाई खा ले, बहुत भूख लगी है सारा खा ले। थैंक यू सैम भाई फॉर दी हॉस्पिटैलिटी और बढ़िया से ऐसा ट्रिप बनाने के लिए और हमें साथ में लाने के लिए और ऐसा बढ़िया खाना खिलाने के लिए। बिल्कुल। तो भाई बिना किसी देरी के मैं तो कह रहा हूँ शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल खत्म हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे बड़ा थैंक यू कि आपने जो इतना लजीज और स्वादिष्ट खाना बनाया ना जो घर में भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। क्या कहोगे बाबा जी सुन लो क्या कह रहे हैं। बस हो गया काम आज तो। और आप तो तैयारी रहो एडवोकेट है मेरे पास दो तीन बढ़िया बढ़िया। अब घर पे जो है ना खाना घर भी बनना है अपने। तो सबसे पहले खाने में अल्टीमेट मजा आया और अब बस ये अच्छे से फिनिश करना है और इसके अंदर रखिए ना फैलाया नहीं कुछ भी देख लीजिए। अब जितना भी स्टफ बचेगा ना वो सारा एक इस गार्बेज बैग में डाल के ना ओके अच्छे से और बहुत लंबा थ्रो करेंगे ताकि अगर कोई वाइल्ड एनिमल हो वो इस तरफ ना आए। और इसके बाद यहाँ से परफ्यूम का स्प्रे भी करेंगे हम लोग। ओके तो जल्दी से ये काम कर लेते हैं और सुबह मॉर्निंग में आपसे मिलते हैं। फिलहाल के लिए आप सबको गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से काफी टाइम हो चुके हैं, तो एक बार देखते हैं बाहर का सीन, बाहर क्या हो रखा है। भाई सब टेंट के अंदर सोने में मजा ही अलग आता है। कुछ इस तरीके से पर्दा लक्से भाई की आवाज आ रही है, एक बार देखते हैं। ये लक्से भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल? बिल्कुल, कैसी रही रात आपकी? रात तो बढ़िया थी भाई, पहाड़ों के अंदर। याद बता रहा हूं कैसी थी। डर भी था क्या? हां देखो, डर तो ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा और खा जाएगा, ले जाएगा। ओ वाह यार, सीन देखो क्या सीन है भाई, पूरे बादल उठ रहे हैं अभी। आप लेट उठे हो? पूरे बादल थे यहां पर, इधर-उधर बादल थे, पूरे ऐसे-ऐसे पूरे में बादल लगे थे, पूरे बादल थे। थोड़ा सा लेट हो गए पर कोई ना, टाइम लैप पे हमने कैमरा लगाया था सुबह उठ के, देखते हैं कुछ रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो पहले दिन की कैंपिंग बहुत बढ़िया रही, मतलब एक काफ़ी अच्छा खाना खाने के लिए मिला, काफ़ी अच्छी जान पहचान, एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़िया रही। रात की कैंपिंग अल्टीमेट थी, थोड़ा बहुत डर भी लगा पर मज़ा आया ना लक्से भाई? तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, जल्दी दूसरा ब्लॉग चालू करेंगे नए एपिसोड के साथ। तो इस ब्लॉग में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।